अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसे तो मैं तबासी बैक विद अनदर वीडियो। तो आज के जो वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि सैमसंग का जो लेटेस्ट इवेंट है ये कब होने वाला है, कौन कौन सी लेटेस्ट डिवाइसेस इस इवेंट पर लॉन्च होने वाली हैं एंड कुछ इन डिवाइस के स्पेसिफिकेशंस के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। दोस्तों अगर मसरूफ हैं तो अपना काम वाइंड अप कर लें, अगर कुछ भी नहीं कर रहे तो चिल करें, इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड यहाँ बेल के आइकन को भी दबा दें, इस तरह के टैक्स से रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोड होती रहती है। दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दो मेजर बड़ी डिवाइसेस लॉन्च होने वाली हैं। यहाँ पर जो है सबसे पहले डिवाइस आते हैं दोस्तों, वो है सैमसंग गैलेक्सी S20 और S11, यानी कि इसका नाम S11 भी हो सकता है, S20 भी हो सकता है, बट द लेटेस्ट लीक्स एंड रूमर्स आर अगर हम उसकी माने तो यहाँ पर ये S20 होगा, S20 प्लस होगा एंड S20 अल्ट्रा होगा। तीनों ही मॉडल्स कुछ काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, मतलब हम इसकी बात करें कुछ मेन हाईलाइटेड फीचर्स के बारे में तो यहाँ पर आपको सैमसंग का 108 मेगापिक्सल वाला कैमरा देखने को मिल सकता है इन फोन्स के अंदर, 64 वाला भी देखने को मिल सकता है बट 108 वाला जो है वो देखने को मिल सकता है। यहाँ पर 120 हर्ट्ज का एक OLED पैनल भी हमें देखने को मिल सकता है सैमसंग के फोन में, जो कि लीक है कि 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले सैमसंग यूज़ करें, क्योंकि और कंपनीज के लिए भी सैमसंग ही कंपनी है जो बनाती है। तो यहाँ पर हमें 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले सैमसंग के फोन में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे सब फोनों में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होगा, जो बैक पर कैमरा डिजाइन होगा वो होगा एल शेप कैमरा एंड रूमर ये 5 कैमरे आपको S10 जो कि अल्ट्रा में देखने को मिले, शायद ऐसा कुछ रूमर्ड है। तो यहाँ पे कुछ इसी तरह का होगा इस फोन के लिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग डिवाइस जो कि है वो तीनों बन जाती है। एंड यहाँ पर दोस्तों मैं अगली डिवाइस की बात करूँ तो ये है सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 2। अब दोस्तों इससे पहले जो सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड आया था वो वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन था, मतलब वो आपको ऐसे खोलता था एंड यहाँ पर खोल के टैबलेट बन जाता था, बंदों का एक स्मार्टफोन का वर्क करता था। ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी टेक्नोलॉजी सैमसंग इंट्रोड्यूस करती थी। जब ये आया था इससे पहले इस लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा वेट किया एंड वेट करने के बाद ये वाली डिवाइस अराइव हुई, तो ये डिवाइस आने में भी काफ़ी टाइम लगा। जब ये शुरू में आई तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिले, जैसे जब ये रिव्यूअर्स को दी गई रिव्यू प्रोडक्ट रिव्यू करने के लिए तो वहाँ पर उन्होंने ऊपर से प्रोटेक्टिव लेयर को उतारना शुरू कर दिया, और यहाँ पर सैमसंग ने बाद में कहा कि हमने एक प्रोटेक्टिव लेयर लगा कर रखी हुई थी, अगर आप इस लेयर को उतारोगे तो फोन में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर वैसा ही हुआ, प्रॉब्लम देखने वाले ऐसा ने रिकॉल कर लिए वो सारे मॉडल्स एंड यहाँ पर दोबारा से उस पर मैन्युफैक्चरिंग पर वर्क किया एंड बाद में कोई ऐसा प्रॉब्लम देखने को हमें नहीं मिला। अब जो गैलेक्सी फोल्ड 2 है ये क्लैम्प शेल डिज़ाइन पे बेस्ड होने वाले, क्लैम्प शेल डिज़ाइन यानी जो मोटोरोला Z2 पे बेस्ड है यानी वो दरमियान से ऐसे ओपन बंद होगा एंड ये कुछ इस तरह का फोन होगा, यानी अभी टैबलेट नहीं बनेगा, अभी फोन ही रहेगा बट बंद होकर एक कैपेसिटिव डिस्प्ले पर टाइम शो करेगा एंड कुछ और फीचर्स आप देख सकेंगे, बट जब इसे आप खोलेंगे उसका स्मार्टफोन का वर्क देगा। सो यहाँ पर आपको वही नोट 10 प्लस वाला एक पंच होल कैमरा देखने को मिल जाता है इस फोन के अंदर, थिक बेजल्स हैं एंड बैक पर कोई जो कैमरा हम देखने को वो ड्यूअल कैमरा सेटअप है, ऐसा नहीं लगता किसी भी एंगल से कि ये सैमसंग का 108 मेगापिक्सल वाला कैमरा से जो कि सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा जो उसमें जो 108 मेगापिक्सल वाला कैमरा आने वाला, ऐसा नहीं लगता कि इस वाले फोन में भी 108 मेगापिक्सल वाला कैमरा आने वाला, मुझे ऐसा नहीं लगता। एंड दोस्तों यहाँ पर इस फोन के बहुत से लीक्स एंड रूमर तो हमें पहले ही मिल गए, मैं एक वीडियो डेडिकेटेड बना चुका हूँ, इसमें भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि इसके लीक्स एंड रूमर पहले आ चुके हैं। यहाँ पर आपको फ्रंट साइड पर कैपेसिटी डिस्प्ले, ड्यूअल कैमराज एंड इस तरह के सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, नीचे की तरफ टाइप सी देखने को मिलते हैं, तो ये सारे लीक्स एंड रूमर्स पहले लाइव हो चुके हैं। तो यहाँ पर इस डिवाइस को देखते हैं एक्चुअल में डिवाइस कैसी होती है, बट इसके लीक्स एंड रूमर्स आ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों डिवाइस लॉन्च होने वाली है दोस्तों वो है सैमसंग के एयरबड्स प्लस, कुछ इसी तरह का नाम है इनका, एयरबड्स होने वाले हैं सैमसंग के, और यहाँ पर जो कि काफ़ी अच्छे नॉइस कैंसिलेशन तो शायद ना उनके, बट यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे नए नए फीचर्स के साथ आएंगे, ज़्यादा अच्छे चार्जिंग टाइम होगा इनका, ज़्यादा मतलब बैकअप देंगे आपको ये वाले एयरबड्स। तो मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी एंड मैं इस तरह की वीडियोस और भी इस चैनल पे लाता रहता हूँ, तो इसीलिए आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ बेल के आइकन को भी दबा दें। तो मुझे दे इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।